रही हो। और वो तेरा भाई कहाँ है? उसको नहीं पता टाइम का मतलब? मम्मी आपको हो क्या गया है? अभी आ रहा है, उसके दोस्त नीचे मिल गए, उनसे बात कर रहा है। आप तो बात का पतंगड़ बना देती हो माँ। अरे भाई कोई डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज होती है ना। 10 बजे का मतलब 10 बजे उसे फोन करके बता दे। 10:30 का 10:31 भी हुआ ना तो डिनर शू रैक पे लगा दूंगी। माँ अभी टाइम ही क्या हुआ है, आप तो इतना परेशान हो जाती हो। यू आर सो सफोकेटिंग माँ। टीना की माँ को देखो माँ, वो बिल्कुल चाहे वो जितनी देर आए, उसके मार्क्स जो भी आए, वो जो भी करे, जो भी पहने, उसकी माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे तो फिर टीना के घर ही जाकर रह ले, देखती हूँ तू टीना की माँ को और टीना की माँ तुझे कितने दिन तक झेलेगी। चल आप तो She all right?
कुछ हल्दी वाला दूध ही दे दो ना मामा। नहीं बेटे, अभी विक्रम मेडिकल से मेडिसिन मंगा देती हूँ, और तब तक तुम और तुम्हारा भाई एक दो शॉट लगा लो और दुनिया के सारे दर्द भूल जाओ। मैं अपने आपके पापा को भी बोल दूंगी, जस्ट बी कूल। मामा ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम मत करो, आप वैसी माँ बन जाओ। मुझे कूल माँ नहीं चाहिए, मुझे कूल माँ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी पुरानी माँ चाहिए, वही प्यारी सी माँ। आप डांट भी लो लेकिन वही प्यारी सी पुरानी सी माँ। अरे तुम ही तो बोल रही थी मॉम कूल मॉम बन जाओ, तो मैं ट्रेनिंग ले ली और मैं कूल मॉम बन गई। वो सब ट्रेनिंग बेकार है, आप छोड़ दो, आप बस मुझे वही पुरानी माँ चाहिए, वो कूल मॉम नहीं चाहिए। पक्का? पक्का। कहना मानोगी? बिल्कुल मानूंगी। तो ठीक है, जस्ट जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ, अपने लिए कॉफी बना के लाओ, और कुछ हेल्प किया करना मेरे घर में। श्योर माँ, मैं अभी लेके आती हूँ, बट आप मेरी पुरानी माँ ही रहो। और टाइम 10 o'clock means 10 बजे घर आना ही है, ये मान लेना। श्योर माँ। ठीक है।